एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बारिश, गर्मी से लोगों को मिली थोड़ी राहत। कुछ दिनों तक तापमान में गिरावट की संभावना है। 21 से 24 जून के बीच बादल रहने का अनुमान है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली एनसीआर में लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है, क्योंकि गर्मी लगातार हो रही थी, चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान थे। हालांकि हल्की बारिश की वजह से गर्मी से राहत मिल गई है लोगों को। सबसे बड़ी बात की तापमान में थोड़ी गिरावट भी दर्ज की जा रही है। 21 से 24 जून के बीच में बादल रहने का अनुमान है, यानी बारिश हो सकती है, हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। 21 से 24 जून तक की अगर बात करें तो लोगों को राहत मिलने वाली। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज सुबह सुबह जो बारिश हुई है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से दिल्ली एनसीआर में आज बारिश हुई है और चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। हालांकि तापमान में भी इसकी वजह से गिरावट दर्ज की जा रही है। देश की राजधानी में लोग गर्मी की वजह से परेशान थे, चिलचिलाती गर्मी की वजह से घर से बाहर निकलना दूभर हो रहा था, लेकिन इस बारिश की वजह से, कुछ ही देर की बारिश हुई, तापमान में गिरावट दर्ज की गई और गर्मी से लोगों को राहत मिली है, गर्मी से निजात मिली है। हालांकि तापमान में गिरावट होने की भी संभावना है, अनुमान है। 21 से 24 जून तक बादल रहने का भी अनुमान जताया जा रहा है, यानी हल्की से मध्यम बारिश 21 से 24 जून के बीच में भी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बारिश का अनुमान 21 से 24 जून तक और भी है। बादल छाए रहने का अनुमान जताया जा रहा है। गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह सुबह हल्की बारिश हुई। हालांकि इस समय जब लोग अपने घर से दफ्तरों के लिए निकल रहे थे, उसी समय उनको बारिश का सामना करना पड़ा। कई लोग जो कि सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकलते हैं, 6 बजे या फिर 7 बजे अपने दफ्तर के लिए निकलते हैं, उस समय हल्की बारिश का सामना उनको करना पड़ा, लेकिन गर्मी से निजात मिल गई है दिल्ली वासियों को। जिस तरीके से भीषण गर्मी दिल्ली में अब तक पड़ रही थी, साथ ही साथ यानी आने वाले दिनों में 21 से 24 जून तक की अगर बात करें, यानी आने वाले 4 से 5 दिनों तक तो हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बादल छाए रहने का अनुमान जताया जा रहा है और गर्मी से लोगों को राहत मिलती रहेगी दिल्ली एनसीआर में जो लोग रहते हैं। गजेंद्र सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। गजेंद्र, आज सुबह सुबह जब लोग अपने घर से बाहर निकले तो देश की राजधानी में बारिश का सामना लोगों को करना पड़ा, सबसे बड़ी बात कि गर्मी से निजात मिली है। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में लगातार जो गर्मी है वो बढ़ती ही जा रही थी, जिससे दिल्ली वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। लेकिन अगर बात कर ले तो सुपर साइक्लोन अगर की बात कर ली जाए, जो अभी गुजरात में देखा गया था, राजस्थान में भी उसका असर देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली में भी मौसम का बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तो दिल्ली वालों को गर्मी से जरूर राहत मिली है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री, न्यूनतम तापमान 30 डिग्री तक रहने की संभावना भी जताई जा रही है और वहीं कुछ दिनों तक इसी तरीके से बादल दिल्ली में छाए रहेंगे। हालांकि IMD की तरफ से पहले से ही लगातार ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में मौसम में बदलाव आ सकता है, दिल्ली वालों को राहत मिल सकती है, बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी भी होगी, बारिश भी हो सकती है। और आज दिल्ली में सुबह बारिश देखने को मिली है। दिल्ली के साथ साथ दिल्ली से सटे हुए नोएडा, हरियाणा में भी बारिश देखने को मिल रही है, बूंदाबांदी देखने को मिल रही है, जिससे गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। सुबह जो लोग निकले हैं, आज सोमवार है, सुबह अपने सभी दफ्तर जाने के लिए लोग निकले हैं, काम से घर से निकले हैं, तो जब उन्होंने सोचा होगा कि सुबह फिर से गर्मी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही वो घर से निकले हैं उनको काफी राहत मिली है, जिसकी वजह से मौसम भी सुहावना है और लोगों के चेहरे पे खुशी भी देखने को मिल रही है। लोग इंजॉय कर रहे हैं मौसम में अचानक से जो ये बदलाव हुआ है इसको देखते हुए। फिलहाल अभी बारिश की जो गति है वो इतनी तेज नहीं है कि यातायात कहीं कहीं प्रभावित हो जाए, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बादल छाए हुए हैं और जिस तरीके से IMD का कहना है कि बादल छाए रहेंगे, बारिश होगी, कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश भी हो सकती है, तो हो सकता है कि कुछ ही समय में कुछ इलाकों से तेज बारिश होने की भी जो खबरें हैं वो सामने आती है। गजेंद्र, आने वाले 4 से 5 दिनों तक, यानी 21 से 24 जून की अगर बात करें तो बादल छाए रहेंगे, यानी हल्के से मध्यम बारिश भी हो सकती है, तो आने वाले 4 से 5 दिन तक दिल्ली वासियों के लिए, जो लोग NCR में भी रहते हैं, उनके लिए राहत है गर्मी से। जी देखिए, अब बादल छाए रहेंगे, हल्की बूंदाबांदी भी होती रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ जो हवा है वो भी 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती रहेगी, जिससे काफी राहत लोगों को मिलेगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से लू के थपेड़ों से लोग परेशान थे, अब वहीं जो हवा चलेगी उसमें ठंडक होगी, नमी होगी, क्योंकि जो बादल है वो छाए रहेंगे और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी होगी, जिसकी वजह से जो तापमान है उसमें गिरावट आई है और लगातार इसी गिरावट की वजह से कुछ दिनों तक दिल्ली वालों को
राहत मिलने वाली है। और आईएमडी के कहने के मुताबिक यानी भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अभी दिल्ली में इसी तरीके का कुछ दिनों तक मौसम रहेगा, लेकिन इस बीच मध्यम से तेज बारिश भी हो सकती है, ये भी आईएमडी का कहना। शुक्रिया गजेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए। यानी आने वाले 4 से 5 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना यहां पर जताई जा रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते